नमस्कार दर्शक बंधु, प्रार्थना टीवी रो जीवन पाई योग कार्यक्रम को स्वागत करुचे। मुझे गणेश स्वर्गचिकार, मो सहित अच्छा सानवी साइना। जीवन पाई योग, योग और जीवन परस्पर परिपूरक। जीवन बिना योग असंभव, योग बिना जीवन असंभव। आ जीवन रे प्रत्येक समस्या लगे रही, समस्या मुक्त करें आमको आसन प्राणायाम क्रिया करवा निहाती दरकार। आज आपण मानक पिठीर समस्या दूर करने योग कहक जाऊँ को योग आसन करा दरकार। आमको सरल भुजंग आसन, भू नमन आसन, सल्वा आसन, ये तीन टाक आसन करवा निहाती अपरिहार्य। तीन टाक आसन करा द्वारा आपण मैंने निश्चित रूपे पिठीर समस्या को दूर करें। चलो तो देखा आज पिठीर समस्या दूर करने योग सईना आ डेरी न करके आम आरंभ करवा पिठीर समस्या दूर करने योग। योगासन करने पूर्व आमको बॉडी को वार्म अप करवा निहाती जरूरी, कारण बॉडी को वार्म अप कले आम शरीर गरम होता है, आम मसल्स और जॉइंट्स ओपन होता है, जहाद्वारा कि आमको आसन करिवारे बहुत हेल्प करते। तो चलो तो देखा किसी योगिक एक्सरसाइज जहाद्वारा आप शरीर गरम होगा सहित आप मसल्स और जॉइंट्स ओपन हो। तो देखो कोल करवा योगिक एक्सरसाइज, प्रथम कौन करवा ना दुई हाथ को एक करदे, दुई हाथ को मुठी करदे, आंगूठे मुठी करदे, तापर दुई हाथ को नहीं मुठी को लेकर पेट पाखे रखिदे, मैं छाती तले रखिदे, छाती तले रखिक धीरे 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 जंप करवा, धीरे धीरे बेसी जोर करवानी, धीरे धीरे करवा, धीरे धीरे ये भाव तीन मिनिट पांच मिनिट अभ्यास करवा, धीरे धीरे करवा और धीरे धीरे करके धीरे धीरे फास्ट भी टिके टिके करवा, टिके टिके फास्ट करवा, पुणी धीरे धीरे करवा, पुणी टिके टिके फास्ट करवा, ये भाव करवा। और ये आसन योगिक एक्सरसाइज करा भितर आम शरीर झाल बाहर थाए, टक्सीन बाहर थाए, आम बडी भी हल्का भी होता है। जो मैंने सीनियर सिटीजन अच्छा से मैंने कौ भाव करेंगे से मैंने यही टाइप करेंगे, यही टाइप करा द्वारा तर मसल्स भी ओपन हो, सीनियर सिटीजन मसल्स भी ओपन होता है, और आसन करने मैंने प्रस्तुत होता। बर्तमान आम जा पिठीर समस्या दूर करने योग बसी जातु। ये पिठीर समस्या को दूर करें आम केते गुड़े योग आसन अपणवा निहाती दरकार। तामधर प्रथम आसन हो सरल भुजंग आसन। सरल भुज आसन कौल करवा, चलो तो देखा सरल भुजंग आसन अभ्यास करवा। आ अभ्यास फल आम दर्शक बंधु जनवा जे आम यही आसन करा द्वारा आमर बैक पेन बा पिठीर समस्या दूर होके। ओके चलते सोई जीवा, पेट माड़ी के सोई जीवा, धीरे धीरे दुई हाथ को छाती दुई दुई साइड रखिदे, एल्बो को ड्रॉप करिबा, धीरे धीरे श्वास नबा, श्वास छाड़ी धीरे धीरे मुंडो ऊपर करिबा, गोड़ पाद दुईटा को जोड़ी दबा, ओपन ए फिंगर्स करदे, वाइडनर शोल्डर करदे, ऊपर को देखा। जदि आपणकर बीपी प्रॉब्लम अच्छी ताले आपण लुक फ्रंट करेंगे, तो उच्च रक्तचाप जदि प्रॉब्लम अच्छी ताले लुक फ्रंट करेंगे, और जदि उच्च रक्तचाप प्रॉब्लम नहीं बा समस्या नहीं ताले आपण ऊपर को देखिए। या द्वारा कौन होता ना आमर नेक मसल्स आम स्ट्रेच होता है, रिलैक्स है ना। बर्तमान आप देखु सैना कौल करुचे योग आसन, ये सरल योग सरल भुजंग आसन। ये सरल भुजंग आसन करा द्वारा कौन होता ना ना आमर जो लोअर बैक, आमर जो लोअर बैक थाए आम लोअर बैक कंप्रेस होता है। पिठीर समस्या दुईटा कारण होता है, गोटे हूँ लुम्बर स्पॉन्डिलाइटिस आ गोटे हूँ आपंकर स्लिप डिस्क, ये दुईटा कारण पिठीर समस्या होता है। तो पिठीर समस्या दूर करागले ये जो सरल भुजंग आसन देखुंत आपण मैंने, ये सरल भुजंग आसन को आपण मैंने घरे निश्चित रूप अभ्यास करूँ। मिनिमम 30 सेकेंड्स रखा चेस्टा करेंगे, 30 सेकेंड्स रखा चेस्टा करेंगे, मिनिमम तीन थर करेंगे। आ रखा भितर आपण मैंने श्वासर गति को नॉर्मल रखिए, श्वासर गति को रोकवे ना। यही आसन को कौ कौ मैंने करें, जो मानकर पेटर कैंसर है, जो मानकर पीरियड्स चली आसन को करें, बाकी समस्ते ये आसन को करें।
जदि आपणकर किछ असुविधा होची ड्रॉप योर एल्बो करिकिरी ताले धीरे धीरे हाथ को आगो को आनी दबा हाथ को आगो को आनी के धीरे धीरे ऊपर करबा एल्बो स्ट्रेट रखिबा ऊपर को देखिबा लुक अप करबा जदि आपण माने देखुचंती आपण उच्च रक्त सब समस्या अछि ताले लुक फ्रंट करबा आगो को देखिबा आ से एई समय रे श्वासर गति नॉर्मल रखिबा निहाती जरूरी आमे टिके एनाटॉमिकल देखिया जिबा एनाटॉमिकल कोन ना अमर जे ए पिठीर पिठी हाड़ 33 खंड हाड़ रे गठित आइ छे 33 खंड हाड़ भितरे अमर डिस्क बा सकपचर वो वाशर टाइप रे काम करे ता भितरे गैप काम करे सेटा कोन डिस्क बा सकपचर बा वाशर बले काम करते सेटा कोन था ना आमे तो आमे चाली थाउ बा जोंटी थाउ बा छोट पिला माने हील पिनि थांतो बा स्कूल स्कूल रे तो स्कूल पिला माने ओजन बैग धर के जाउचंती बा आपण बसिकरी किछि काम करूचंती आपण वर्क करूचंती आपण खाउचंती किछि काम करूचंती त करया भीतर कोन था ना अमर ई स्लिप डिस्क अमर प्रेस हे थाए प्रेस त कोन ता भीतर दुइटा लेयर थाए गोटो होची जेली आ गोटो होची फाइबर एटरे कोन था ना ना फाइबर टा फाटी जाय थाए जेली टा बाहर को आसी जाय थाए ता दर कोन था आमे बैक पेन रो शिकार हे थाउ ए बैक पेन को दूर करे कले ए आपण आपण मानु को ए आसन करिबा निहाती दरकार ए सर्वभुज आसन को आपण माने घरे मिनिमम 3 मास घरे अभ्यास करंतु देखिबे निश्चित रूपे आपण माने उपकृत हेबे ए सर्वभुज आसन आ भुजंग आसन ए दुटा का आसन आपण आपण घरे सोइल बेड रे बसे करि परिबे तल चट्टाणी मध्ये करि परिबे सोफार मध्ये भी आपण करि परिबे जेतल चैनल मध्ये आपण सेतल करि परिबे आपण जदि ऑफिस रे बसचोंदी तले ऑफिस रे मध्ये भी आपण घर किछो जगह नेकरी स्थान नेके आपण करि परिबे आ ए आसन करया द्वारा कोन था ना अमर होची लोअर बैक कंप्रेस हेथाय अमर होची थोरासिक पार्ट अमर कंप्रेस हेथाय जादर की अमर पिठ रे समस्या दूर करया बारे आपको हमको सहाय्य करिथाय दर्शक बंधु चालन तो देखिबा पिठ रे समस्या दूर करया पई द्वितीय आसन टी हला भू नमन आसन साइना चालन तो अभ्यास करिबा ना गोड़ो खोल दबा गोड़ो खोल दबा गोड़ो को ओपन कर दबा और साइड रा मैट रा साइड रे रखिबा मैट रा साइड रे रखिबा चेष्टा करिबा एटा को फ्लेक्स बैक कर दबा ए पादो को फ्लेक्स बैक कर दबा श्वास नबा और टमी को इन कर दबा माने आमे आम पेट को टिके इन कर दबा श्वास नबा एठी श्वास श्वास नेकरी हाथ को दुई साइड कर दबा श्वास नबा श्वास छाड़ी धीरे धीरे ट्विस्ट करिबा बॉडी को हेड डाउन रखिबा पुणी श्वास नेकरी धीरे धीरे हाथ को दुई साइड कर दबा पुणी श्वास छाड़ी धीरे धीरे बाम पट को करिबा पुणी श्वास नेकरी धीरे धीरे दुई हाथ दुई साइड कर दबा श्वास छाड़ी धीरे धीरे डाण पट को करिबा पुणी श्वास नबा श्वास छाड़ी धीरे धीरे बाम पट को कर दबा पुणे श्वास नहीं धीरे धीरे डाण पटु करद श्वास नहीं धीरे धीरे बाम पटु करद पुणे श्वास नहीं धीरे धीरे डाण पटु करद आपण मैंने देखूँ बर्तमान सैना कोबल अभ्यास करपण मैंने घरे यही आसन टी निश्चित रूप अभ्यास करूँ और देखिए आपण पीठ समस्या निश्चित रूप मुक्त हे यही आसन कराया फल कौन था यही आसन कराया फल आमर जो लोअर बैक अच्छी आम मूल रही आमर दुईटा कारण थाए गोटे अच्छे लुम्बर स्पॉन्डिलाइटिस आ गोटे अच्छे स्लिप डिस्क आम लुम्बर स्पॉन्डिलाइटिस कौट होता है ना आम लुम्बर रीजन रु ये लुम्बर रीजन लुम्बर स्पॉन्डिलाइटिस होता है लुम्बर रीजन जब आम ठीक नमक लुम्बर रीजन प्रॉब्लम होता है लुम्बर रीजन प्रॉब्लम होता है स्लिप डिस्क ये जोड़ाक कारण आम अंटा पेन मुख्यतः होता है तो आमर ए जो भू नमन आसन कराया फल कहीं था ना ना आम अंटार पेन जो अंटार पेन थाए स्लिप डिस्क जाए था लुम्बर पेन थाए और तार तार समस्या मध्य तार समस्या दूर होता है ता सहित आमर जो पेटर चर्बी मध्य दूर होता है ता सहित आमर जो थोरासिक पार्ट अच्छी थोरासिक पार्ट आम शरीर आम सब तीन टा भाग भी होता गोटे अच्छे सर्वाइकल थोरासिक आ लुम्बर बा अपर पार्ट मिडिल पार्ट लोअर पार्ट ये तीन टा भाग भी होता है आम जब पेल्विक स्ट्रोक आम ठीक न रखा आम जब अंटा टो ठीक न रखा तो आम विभिन्न प्रकार रोग शिकार होता खाली पीठ समस्या कहले खाली आम पिठी पेन को बुझाई न था पिठी पेन पिठ समस्या कहले आमको एंकोलोजी स्पॉन्डिलाइटिस सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस लुम्बर स्पॉन्डिलाइटिस बहुत प्रकार रोग को बुझाई था
तो ये बहुत प्रकार रोग दूर करके आमको ये भूनमन आसन करवा निति अपरिहार्य जो मानकर पीरियड्स चली पेटर अल्सर है पाइल्स है कैंसर है से मैंने ये आसन टी करेंगे ना बाकी समस्ते ये आसन टी करेंगे आपण जदि घर करी कर कि बेड्रे बस सोफारे बस आप कौन करें आप आराम से बसिकर गोड़ खोल देकर ना श्वास नहींकर डाण पटु करेंगे श्वास छाड़ी बाम पटु करेंगे एक दस थर करेंगे दस थर दस थर दस थर तीन टा सेट करेंगे मानने गोटे पटे राइट साइड गोटे पटे बाम साइड यहाँ हूँ गोटे राउंड एमती करके दस दस राउंड करेंगे तीन सेट करेंगे ये तीन सेट करा द्वारा आमर लोअर बैक रो प्रॉब्लम निश्चित दूर होता है ता सहित आम पिठीर समस्या मध्य दूर होता है। जो मुंड जदि पृथ्वी को लगुच भू नमन आसन नमन मान मुंडिया मार तो मुंडिया मारिया फल कही था ना ये कहते भू नमन आसन तो ये भू नमन आसन करा द्वारा आमर अंटार प्रोब्लेम लुम्बर स्पन्लेस प्रोब्लेम व स्लीप डिस्क प्रोब्लेम आमर दूर होता है दूर होता फल आम आम बैक पेन को आम दूर करता पिठीर समस्या को आम दूर कर किसी यदि आप अधिक प्रोब्लेम फेस करते आप घर तकिया नहीं तकिया नहींक्र आप बैक रखीदे पछपटे रखीदे पछपटे रखिक आप घर अभ्यास करेंगे आदि अत्यधिक प्रोब्लेम फेस करते निकटतम योग शिक्षक योग प्रशिक्षक साइन बर्तमान आम नृत्त हो भूनमन आसन रु आम जी बर्तमान अब तृतीय आसन पीठ समस्या दूर करने तृतीय आसन अर्ध सल्वासन बा पूर्ण सल्वासन चलन तो देखिबा अर्ध सल्वासन कोवळवे करिबा सोई जिबा पेट माड़ी के सोई जिबा तबरे दुई हाथ को पापुली को जंग तले रखि दबा जंग तले रखि दबा मुंड को किसर मैट कर दबा मुंड तळु रखिबा मुंड को सामना को रखा ना मुंड तल रखीद धीरे धीरे श्वास नब श्वास छाड़ी धीरे धीरे राइट लेग को ऊपर करवा यू कहती अर्ध सल्वासन अर्ध सल्वासन करा द्वारा कौन था ना ना आमर जो स्लीप डिस्क थाए स्लीप डिस्क लुम्बर लिजिन लुम्बर रिजन जदि आमर जदि लुम्बर रिजन खराब होता आम हूँ विभिन्न प्रकार रोगर शिकार होचे कौन को प्रकार रोग शिकार होचे ना आम साइटिका रोगर शिकार होचे सियाटिका रोगर शिकार होचे सियाटिका रोग कौन था ना आमर जो मुझे एनाटोमिकली एनाटोमिकली आम जब जा एनाटोमिकली कौन था ना आम जो थोरासिक पार्ट अच्छी आम लुम्बर पार्ट अच्छी आम सर्वाइकल पार्ट अच्छी तो मत जो डिस्क कम कै सकपचर व असर्व कम कै आम चलिए हौ बा झुंटिले हौ बा जर्क हौ बा बही धरले हौ बा वेट लिफ्टिंग कले हौ बा आम किसी वाक कले हौ तो ये कौन था ना आमर हूँ पिठीर समस्या देखा दे था पिठीर समस्या देखा देखादे आम बहुत प्रकार आम बहुत कमरू रेस्ट्रिक्ट कर दी था तो आम मनटा से लगे रही था तो से कहते ना आम लुम्बर स्पन्लेट को आम ठीक करवा नि दरकार लुम्बर स्पन्लेट्स को ठीक कर स्लीप डिस्क को ठीक कर कले तो आमको ये अर्ध सल्वासन करवा निति जरूरी ये अर्ध सल्वासन को आम गोटे गोड़ को फास्ट उठेक 30 सेकेंड्स रखा पुणी लेफ्ट गोड़ को उठेबा लेफ्ट गोड़ को उठेक पुणी 30 सेकेंड्स रखा दुईटा गोड़ को मिनिमम 30 सेकेंड्स तीन थर करवा तीन थर करा भितर कहीं था ना आप जस्ट टिके पूर्व कहती आम जब एनाटोमिकली जा तो एनाटोमिकली कहीं था ना आमर जो थोरासिक पार्ट जो पछपटे गोटे गुड़े जाता से कहते हैं स्नायु स्नायु बा स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड रु दीपटे साइड रे नर्व जाए 31 नर्व 31 नर्व जाए दीपट 31 नर्व जाए 31 स्नायु थाए तो ये 31 स्नायु कौन होता है ना ना आमर हूँ हाथ को आसता है बेकुरु बाहर कर आठटा हाथ को जाए अंटरू बाहर कर पाँचटा तल को जाए ये अंटरू बाहर पाँचटा तल को जाए आम कौन कैर ना छुंची पड़ा लगे जल पड़ा लगे तो आम चली पार ना तो यही सब क्षेत्र में कौन था ना आम सियाटिकार आम शिकार होता सियाटिका आमर यही
पिठी समस्या अंतर्भुक्त होता है। तो ये सैटे को दूर कर पिठी समस्या को दूर करके आमको सल्वासन अर्ध सल्वासन और पूर्ण सल्वासन करवा निरकार आपण मैंने गोटे गोड़ को कले दस 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 तीन थर कले बर्तन कौन करवा आम दुई थर करवा दुई थर केमी कर कीप पम्स अंडर थाइस करदे दुई हाथ को जंघ तले रखिदे लुक डाउन फ्लोर करदे धीरे धीरे दुईटा गोड़ को उठेबा दुईटा गोड़ को उठेबा और लुक डाउन टू द फ्लोर रखा एथेरे कौन था ना लोअर बैक जो था लोअर बैक जो लुम्बर था लुम्बर कंप्रेस होता है लुम्बर कंप्रेस होता फल आमको पिठ समस्या आम दूर होता है। तो से आमको यही आसन टी मिनिमम मिनिमम 30 सेकेंड तीन थर करवा निहती दरकार आसन करा फल खाली आम पिठ समस्या दूर ही नाई ता सहित आपण मैंने देखिथे खेलाड़ी मैंने जो मैंने खेल खेलुंच जो मैंने टेनिस खेलुंच जो मैंने क्रिकेट खेलुंच जो मैंने रनिंग कर आथलीट कर हामसी मसल्स पुल होता हामसी मसल्स पुल होता कौन था से चली पारती ना चली पारती जदि आम पूर्ण सल्वासन करवा तेल आम कौन करवा ना आम हामसी मसल्स रिलैक्स जहाँद्वारा कि आम आराम से चली पार और आम पिठ समस्या को दूर कर यही आसन टी आपण मैंने सबटी कर देखुए जब आप घर एसी लगे आपड़ एसी लगे सकाल उठला बेलू आपंकर बैक पेन होपण उठी पार ना अंटा भारी दरज होमा चली पार ना से कौन करेंगे ना आपड़ कौन कर बेड्रे शे छाती माड़ी शोजे गोटे तकिया तले रखीदे मुह तले रखीदे रखिकी धीरे धीरे गोड़ दुईटा को ऊपर उठाप चेषा करेंगे गोटे गोड़ उठे फास्ट तापर दुईटा गोड़ उठे फास्ट डाण गोड़ापर बाम गोड़ापर दुईटा गोड़ ये आसन टी मिनिमम 10 सेट करके तीन तीन थर करेंगे मिनिमम 30 सेकेंड्स रखापी चेषा करेंगे 30 सेकेंड्स तौर रखापी जमा चेषा करेंगे ना 30 सेकेंड्स रखापी मिनिमम चेषा करेंगे आसन को कौ मैंने करें जो जो मान कैंसर है पेटर जो मान पीरियड्स चली जो मान अल्सर है जो मान पाइल्स है तो से आसन टी करें बाकी समस्ते यही आसन टी करें ये सल्वासन करा द्वारा कौन था ना आमर जो सल्वासन कौन था ना सल्वासन जो आम जो आप कहते आमर जो छुंची पोड़ा जलापोड़ा छुंची पोड़ा मारवा जलापोड़ा हाँ सब सैटिकार लक्षण देखा यह सब सैटिक लक्षण देखादे आपण मैंने कौन करेंगे ना आपण मैंने घरे निश्चित रूप अभ्यास करेंगे अभ्यास करेंगे आप आज हूँ करवानी था आज कष्ट करवानी था एमती करेंगे ना एमती करें धीरे धीरे कौन करेंगे ना आपड़ शोजे धीरे धीरे आप धीरे धीरे गोटे गोड़ उठे पुणी दुईटा गोड़ उठे चेषा करेंगे या करा द्वारा आमर कहीं था ना आमर अच्छी साइटिका प्रॉब्लम भल हाँ सहित पिठ समस्या दूर होता है ता सहित आमर जो पेटर चर्बी अच्छी ये पेटर चर्बी दूर होता है ता सहित आमर नेक मसल भी स्ट्रेच होता है आब्डोमेन मसल भी स्ट्रेच होता है आमर हो नेक उपरे जो नेक उपरे प्रेशर आसी नथे जहाद्वारा कि आम रिलैक्स अनुभव करथाउ आउ एई आसन करिया परे आपण निश्चित रूपे चाइल्ड पोस्चर हो जा सैन आसन चाइल्ड पोस्चर हो सत्संग आसन कसिबारी चाइल्ड पोस्चर बालासन करवा जहाद्वारा कि आमर कौन है ना आपड़ देखिथे आपड़ देखते लोअर बैक कंप्रेस हो गला आप चाइल्ड पोस्चर सत्संग आसन करुँचे लोअर बैक टे एक्सपांड होद्वारा कि आपको रिलैक्स मिले आपको उपशम मिल आप पिठीर समस्या दूर उपशम मिल सत्संग आसन करा फल खाली लोअर बैक रिलैक्स हो नाए ता सहित आमर मधुमेह रोग एमती विभिन्न प्रकार रोग मानने मुंड बुली हाँ मुद मधुमेह रोग लोअर प्रेशर निम्न रक्तचाप इन बहुत प्रकार रोग भल होता है योग को दूर करके आमको केतग जोग निहाती अपरिहार्य सीनियर सिटीजन घरे अच्छा से कहते ना पिठ समस्या हेल्ले से चली पारती ना से निश्चित रूपए घर जी यही आसन को अभ्यास करेंगे तेल से पिठ समस्या दूर करने सहित एडेनल ग्रंथी जो आम पेटर जो ग्रंथी अच्छी पेटर ग्रंथी को आपड़ ठीक करेंगे ता सहित जदि यंग झियो माने अच्छा यंग पिला माने अच्छा से आसन अभ्यास करें हार्मोन इम्बालांस जो होची हार्मोन बालांस कार्यक्रम सर पूर्व चलते शुणा लोक मान मुहर जोग करके कौन उपकृत हेले ओम मुसुरभि राउत मुझे आर स्क्वायर शिविरार्थी आमर सुनील भाई तत्व अध्ययन आम ये क्लास चली प्राय
बहुत वर्ष हमर एटी क्लास आरंभ हलानी ते आमे जेते बले आरंभ करथिलु क्लास आमे एका एका आरंभ दुई तीन जन ने कि आरंभ करथिलु। हम जब निकले थे अकेले थे और हम चलते गए करवा बनता गया और धीरे धीरे लोक मैंने आसुचंती से उपकृत होती कह आंठू प्रोब्लेम बहुत लोग आसमती आंठू ऑपरेशन होबार थिला से आसिक उपकृत होती कह थायराइड रोग ठीक है कह छऊ रोग ठीक है कह वेट कमी यहपर बहुत लोग बहुत उपकृत होती योग करूँ सुस्थ रुहतु। प्रार्थना आमो आनंदर उत्सव।